हेलो दोस्तों, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल टाइप की हो सकती है, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मेरे एक वीडियो से मेरा जो 4000 का वॉच टाइम है वो आधा पूरा हो गया। मतलब कि 6 महीने के अंदर ही मेरा जो आधा वॉच टाइम है, मतलब कि 2000 घंटे का वॉच टाइम है, मेरे एक वीडियो ने पूरा कर दिया। जैसे ही मैंने इन्फिनिक्स का S5 Pro परचेज किया था, जैसे फर्स्ट सेल में मैंने इसे परचेज किया था, उसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला था, उस पर करीब करीब 6 महीने के अंदर 42,000 व्यूज आ गए। उसी से मेरा जो वॉच टाइम है ऑलमोस्ट 2000 घंटे पूरा हो गया। मतलब कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, आपका कोई भी एक वीडियो अगर वायरल हो जाए तो आपका जो वॉच टाइम है 100% बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं अभी जो मेरे 28 दिन के जो व्यूज है और उसका जो वॉच टाइम है, वो भी मैं अगर आपको दिखा दूं तो वो ऑलमोस्ट आपको 1000 घंटे से ऊपर देखने को मिलता है। तो यहां पे आप देख पाएंगे वो जो कैलकुलेशन है, यहां पे 62,000 ऑलमोस्ट मेरे जो वॉच टाइम है वो आता है, मतलब 62,000 मिनट का आता है 28 दिनों के अंदर। और उसे हम अगर कैलकुलेट करें तो यहां पे 60 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद यहां पे आप देख पाएंगे जो 1000 से ऊपर जो घंटे हैं वो मेरे पूरे हो जाते हैं, वो भी 1 महीने में। और अभी भी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो अभी केवल 3K हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है अगर आपका कोई भी एक वीडियो वायरल हो जाए तो। काफ़ी लोगों के मेरे जैसे सब्सक्राइबर होंगे और मुझसे ज़्यादा भी व्यूज आते होंगे, तो यहाँ पे मेरे अभी कुछ भी समझ लीजिए एक भी व्यूज नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यूट्यूब पे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो लगे रहिए, आपका काम ज़रूर होगा, एक ना एक दिन कोई ना कोई एक वीडियो वायरल हो जाए, बस आपका काम हो गया।